वक्त हम शाहजहां मॉस्क पहुंच चुके हैं। मैं आगे चल के आपको अंदर बताता हूँ कि इस मस्जिद की क्या तारीखी अहमियत है और क्यों इतनी मशहूर है। बड़ा मजा आ रहा है यार। शाहजहां मॉस्क इसका नाम क्यों रखा गया सुनने में आता है कि शाहजहां अपने जिलावतनी के ज़माने में यहाँ आकर कयाम उन्होंने किया। तो यहाँ पहले एक छोटी सी मस्जिद थी, यहाँ पर वो नमाज अदा करते थे, फिर बाद में इसका एक वसी अरीज कर दिया। ये आपके सामने शाहजहां मस्जिद के अंदर का व्यू है। शाहजहां मस्जिद अपनी मिसाल आप है। इस मस्जिद में आप हैरत अंगेज बात यह है कि कोई भी मीनार मौजूद नहीं है। इस मस्जिद में तकरीबन 90 से 93 गुंबद बनाए गए हैं जो इसकी छतों पर मौजूद हैं। इस मस्जिद के गुंबद ज़्यादा होने बनाने का मकसद ये था कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के, बिना माइक स्पीकर के अगर अजान दी जाए तो पूरी मस्जिद में इसकी आवाज़ गूंजे। और इस मस्जिद में रोशनदान और खिड़कियाँ इस तरह बनाई गई हैं कि हवा और रोशनी पूरी मस्जिद में आए। आप देख सकते हैं ये पूरा अंदर का व्यू है, पूरी हवादार माशाल्लाह बड़ी खुशादा मस्जिद और बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। शाहजहां मस्जिद के बाद बाहर अब हम आ चुके हैं और अब लस्सी पीने का चक्कर है। ये क्या है यार, लस्सी है? रबड़ी, रबड़ी मलाई, मलाई। कौन सी रबड़ी है? मलाई की बनी हुई सर। मलाई की बनी हुई? हाँ, दूध से बनी हुई। कितने का प्याला है? 100 रुपए का देते हैं, 150 रुपए गाय का, भैंस का, भैंस का भी है, गाय का भी है, दोनों जानवर एक ही है, गोश्त खाते हैं, दोनों का खाते हैं। और छोटे का भी है और गाय का भी है।